तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल पे पे आया हुआ एक नए अपडेट के बारे में। तो गूगल पे के ऊपर एक नया अपडेट आया है। अपडेट ये है कि अब आपके आपके गूगल पे के ऊपर आप कार्ड्स को भी ऐड कर सकते हो, कार्ड्स के थ्रू भी पे कर सकते हो, एनएफसी के थ्रू भी पे कर सकते हो और डायरेक्टली कार्ड्स के थ्रू भी पे कर सकते हो। अपडेट में आपको बताता हूं, उसके पहले आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाना है, गूगल पे सर्च करना है, प्ले स्टोर में जाइए, साइड पे जाइए, यहाँ पे माई एप्स एंड स्टोर्स पे जाइए। यहाँ पे अगर आपको गूगल पे का कोई अपडेट दिखता है, लेटेस्ट कोई नया अपडेट ऐसा लगता है कि आया हुआ है और करना है आपको, तो आप अपडेट कर लीजिए तो आपको अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं आया हुआ अपडेट तो अपडेट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, सभी को वो अपडेट नहीं मिल रहा है, फिलहाल किसी सिलेक्टिव यूजर्स को ही मिल रहा है। गूगल पे सर्च करके भी आप अपडेट कर सकते हैं अगर अपडेट आपको उसमें शो नहीं कर रहा है तो। और फिर आपको करना क्या है कि आपको आपका जो ऐप है गूगल पे का उस पर जाना है, और जैसे आप गूगल पे के ऐप पे चले जाओगे वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड कार्ड का। कैसे दिखेगा ऐड कार्ड का ऑप्शन, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जाना है यहां पर, जैसे आपने आपके प्रोफाइल पे क्लिक किया आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट दिखाई देगा कि जो लिंक्ड हुआ हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड कार्ड का। अगर आपको ये ऐड कार्ड का ऑप्शन नहीं आया है तो जल्दी ही आ जाएगा, सभी यूजर्स को अभी तक नहीं आया है। ऐड कार्ड का ऑप्शन है और वहां पे अभी फिलहाल खाली एक्सिस का डेबिट वीजा का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और एसबीआई का वीजा का क्रेडिट कार्ड सपोर्ट कर रहा है। तो एसबीआई का खाली आपको वीजा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो सपोर्ट करेगा, और एक्सिस का आपके पास वीजा का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो सपोर्ट करेगा। आने वाले टाइम में जब ये अपडेट सबके लिए रोल आउट हो जाएगा तब आपको इसके अंदर सारे ही बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप उनके थ्रू आप आपका जो कार्ड है उसको ऐड कीजिए। आप कार्ड को यूज कर सकते हो टैप एंड पे के लिए, ऑनलाइन पे कर सकते हो, क्यूआर कोड के तरफ से पे कर सकते हो। अभी के लिए ये फिलहाल किसी ही कुछ लिमिटेड बैंक्स के लिए और लिमिटेड यूजर्स के लिए है। टैप एंड पे के लिए आपके पास एनएफसी होना जरूरी है फोन के अंदर, तो आप टैप एंड पे यूज कर पाओगे, वरना एनएफसी अगर आपके फोन में नहीं है तो नहीं यूज कर पाओगे। क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हो और ऑनलाइन जैसे कि नॉर्मली पे करते हो वैसा पे कर सकते हो। तो अब आप आपका क्रेडिट कार्ड भी ऐड कर सकते हो। इन शॉर्ट डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन तो पहले से ही अवेलेबल था, लेकिन वो ये था कि डेबिट कार्ड डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपका बैंक अकाउंट लिंक है तो आप वहां से डायरेक्टली पे कर सकते हो। लेकिन अब इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर पाओगे। तो जैसे जैसे रोल आउट होने शुरू हो जाएंगे सभी के लिए, वैसे आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर पाओगे। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अपडेट देना था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इसी तरीके के और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इसी तरीके से और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।